जी गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी, फूल गोभी और आलू। आलू भी कटे हुए हैं, फूल गोभी कटी हुई है और इस टाइम प्याज ब्राउन हो चुका है और हमारे कुकर हैं जनाब अनवर खान से कुकर हैं, स्पेशल कुकर भाई, प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर के गुड कुकिंग मैन है हमारे अनवर साहब जी। माशाल्लाह बहुत प्यारा, ये क्या किया जी, जला दिया सारा अच्छा तो अनवर भाई बना रहे हैं। इधर जनाब मुर्शिद बैठे हैं, जनाब गुलाम नबी साहब और उनके दर्शन कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं जनाब जोएब साहब और बड़ी मासूमियत के साथ बंदा पाकिस्तान छोड़ के वापिस आया किसी किसी तारीफ के मोहताज नहीं, इनकी तारीफ भी करता ही तारफ के मोहताज नहीं। इनके पास केक पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये पाकिस्तान से अभी अभी ताज़े ताज़े आए हैं और बड़ा मायूस है इस टाइम, तो मैं भी थोड़ा सा नज़र आ रहा हूँ वो मिरर में। अच्छा अनवर भाई क्या बन रहा है जी? आलू गोभी बन रही है, सही। आलू गोभी में पहले ब्राउन कितनी देर ब्राउन करना जी? कितनी डालनी अदरक लहसुन? बस नॉर्मल पाँच छह जो लहसुन की और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का। अच्छा पेस्ट बना के डालने, बस टमाटर डाल दिया आपने? टमाटर डाल दिए, बड़ा एक प्याज टमाटर डाल दिए, छोटे होंगे दो टमाटर डाल दिए। सही इतनी देर में जनाब हम पूछ लेते हैं कादर साहब से। कादर साहब आप बताएं कैसा रहा आपका पाकिस्तान का ट्रिप? अच्छा, तो कैसा फील कर रहे हैं आप वापस आ गए? तो लगता है पाकिस्तान जा रहे हैं। नहीं अच्छा लगता है ना जी, आप पाकिस्तान जाके वापस आए हैं? वापस आने को नहीं अच्छा लगता वापस आने की नहीं अच्छा लगता किसको मिस कर रहे हो? जो अभी भी ज़ैब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे ज़ैब भाई बोल दे। दादाजी आप ही कह दीजिए क्या कहना चाह रहे हो? कादर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं हमने कह दिया आपको, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बड़े फरमाएंगे उन्होंने बोल दिया कि 7 दिन में मेरी शादी को। मुर्शिद मुर्शिद गुलाम नबी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो बात हो गया, वो कहना चाह रहे हैं कि आने को तो दिल नहीं करता, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर घर वाले कहना शुरू करते हैं जाओ सर। कादिर भी आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? निकाल दी निकाल दी। चलो अनवर भाई आप बताएं कैसा रहा आपका पाकिस्तान का ट्रिप? जी बहुत अच्छा रहा। अच्छा तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को? परदेश आ जाओ, आके आप बनाओ खाने, अल्लाह का वास्ता जी ना परदेश लाओ। क्यों? बस ये क्या डाल रहे हैं आप? ये जी खुश्क धनिया है जी। तो बताएं ना जी ये क्या डाल रहे हैं? ये जी जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर आधा आधा चम्मच है। ये हल्दी? ये हल्दी थोड़ी सी सही है। और ये जी है दड़ा मिर्च है जी। हाँ ये बस चस्के के लिए सही है। रेड मिर्च? हाँ ये सही है। ये नमक नमक कितना डालना? अस्पे जायका बाद में हम डाल सकते हैं। सही। वाओ अनवर भाई ने यूनिफॉर्म पहन लिया, मुझे अब नजर आया, वाह क्या बात, अब तो सही मैन कुकर स्ट्रीम कुकर बन गए स्ट्रीमर कुकर बन गया अब। अच्छा जी चलो सही है। तो बाकी अनवर भाई आप क्या कहना चाहेंगे कि ये आपने घुर बताया जी, वाह क्या बात।
अच्छा कादर साहब, आपसे मैं कुछ पूछना चाह रहा था काफ़ी टाइम से, कि आप जब यहाँ से गए पाकिस्तान में, इधर देखें ना जी, हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं, तो जब आप पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान के बाद भाई ये कहते आप, तो कैसा आपको महसूस, आपका टिकट कितने का मिला पहले मुझे ये बताओ, क्या कितने का मिला टिकट? टिकट मिला था एक साइड का, इधर जाने का, जाने का ईद पे मिला था 1830 का। कितना? 1830। क्यों आगे ड्राइविंग सीट पे बैठ गई? अच्छा चलो सही है, तो क्या उसने जाके घर उतारा है? घर जा के उतार गया, गली में ही है जाके उतार के आ गया। चलो हम खा रहे थे आपको आलू गोभी पकने का तरीका, अभी अनवर साहब ने दम लगा दिया, क्या किया अनवर भाई? अभी कुछ नहीं किया भाई, अभी मसाला बस बनाई हो रही मसाले की। सही है, अभी इसमें गोभी डालेंगे। ये वाली? वाह आपने बड़ी प्यारी काट के रखी है, वाह गोभी क्या बात। इसमें गोभी इसलिए पहले डाल रहे हैं क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं, गोभी में टाइम लगता है। गोभी जल्दी नहीं गलती? नहीं गलती, देर से गलती है। वाह इस वजह से पहले, इस चीज का मुझे आइडिया नहीं था ना, गोभी की भुनाई करेंगे तीन चार मिनट, तो इसमें पानी नहीं डालना? नहीं अभी इसको भुनाई करेंगे, पानी इसमें जरूरत नहीं है, ये दम पे पकाएंगे ताकि खड़ी खड़ी रहेगी, पानी डाल देंगे तो बैठ जाएगी। ये चीज मतलब पानी डालेंगे तो पाउडर बन जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही, बस भुनाई करने के बाद चार पाँच मिनट के बाद हल्की आंच पे आप इसे 15 से 20 मिनट के रख दें, ये पक जाएगी, पानी की जरूरत नहीं होगी। 15 से 20 मिनट इसको इंतजार करना पड़ेगा। चलो इतनी देर में हम जाके ना मुर्शिद पत्नी कहीं कोई किसमें गए हैं, वो कहते होते हैं कि मुर्शिद अभी कहीं लंदन में पता नहीं पाकिस्तान में कहाँ पे हैं, किसको धक्का दे के गाड़ी ऊपर चढ़ा रहे हैं। नहीं देखो जी मुर्शिद का ये ठीक है, मुर्शिद का ये नहीं, मुर्शिद का ठीक है उस साइड आपको दिखाते हैं, लेकिन ये है कि देखो मुर्शिद के चरणों में बंदे लोग बड़ा शर्फ हासिल कर रहे हैं इस टाइम, फैज हासिल कर रहे हैं। नहीं जी अभी तो थोड़ी सी बनाई की इसकी। अच्छा अभी इसमें आलू डालेंगे, इसको मजीद भुनेंगे। मतलब ये कि टोटल दो आपने 5-1 मिनट इसकी बनाई की, ज्यादा नहीं की? हाँ जी अभी आलू डाल के 3-4 मिनट इसको बनाई करेंगे। सही है, कोई भी हांडी है ना उसकी जितनी अच्छी बुनाई होगी ना उसका उतना अच्छा जायका निकलेगा, बस आपकी हर चीज का दारोमदार आपके हांडी की बुनाई पे है, बस मतलब मसाला ऑयल डाल के बस उसको स्टार्टिंग में अच्छी तरह भून देंगे, मिर्चे जो है वो कच्चा जायका नहीं आएगा। बगैर पानी डाले? बगैर पानी, बाद मिर्च मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी का छटा लगाना हल्का सा ताकि वो जले नहीं, उसके बाद सब्जी बना रहे हैं या गोश्त बना रहे हैं उसकी बुनाई अच्छी करनी है। सही है, गोश्त तो कम से कम 10 मिनट, सब्जी है तो 5-6 मिनट, उसको ना आप भूने अच्छी तरह ताकि वो जितनी अच्छी बनाई होगी उतनी अच्छी आपकी होगी। सही है, अभी बस इसको भी थोड़ा सा और भूनेंगे 3-4 मिनट बाद, उसके बाद इस पर दम लगा देंगे हल्की आंच पे बिल्कुल लो, तो इंशाल्लाह 15-20 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे कादर साहब जिनका प्यार से डॉक्टर भी बोलते हैं, और जेबी तो कुछ और की बोलते हैं लेकिन हम इनको डॉक्टर बोलते हैं। जेबी जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर नहीं बोलते कोई और डॉक्टर है, ये डंगलू का डॉक्टर है, डंगर डॉक्टर यार, अभी भी इलाज करके बैठाया लेकिन सही नहीं है। नहीं देखो जी अगर कोई मसला परेशानी है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, डॉक्टर हमारे पास मौजूद है। कुछ बीमारियां लाइलाज होती हैं, उनको हाल पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, देखें जी कोई कोई बीमारी इंसान की फितरती होती है, जब बंदा पहुंचता 9 साल की उम्र में फिर लाइलाज होती है। इसको ना थोड़ा फास्ट फास्ट करूंगा तेरे डॉक्टर जी, छोड़
अच्छा नर भी आपकी ना गोभी नीचे लग नहीं रही, लग नहीं रही क्यों? अच्छा क्यों किए तो नीचे क्यों नहीं लग रही? देख आपने कुछ नीचे प्लास्टिक नहीं डाली नीचे नहीं लग रही। ऐसा नहीं, मैंने पहले गोभी इसलिए डाली है, गोभी के अंदर भी पानी होता है, इसका अपना चीज तो आपने पहले पानी होता है वो हल्की हल्की उसमें आप बनाएंगे तो आप उसी पानी के अंदर बन जाएगी। आलू के अंदर भी और गोभी, गोभी के अंदर ज़्यादा पानी है, इसमें से ये नीचे लग नहीं रही। सही है, सही है। कोशिश करें कि बनाइए में ना तो 30-50% साल में पक जाएगा, शाम को चल जाएगा, सुबह शाम को शाम से सुन रहा हूँ गुजरात खाओ के सवेरे अपना प्यार तो ज़्यादा मारे ना बताते सुबह की खाना मिलेगा। सही, ऐसे थोड़ी चीज़ मेरी बनती है जितनी कोशिश करना। सही, ये अगर तुम चीज चाचे के पास हो तो 3 दिन हो जाए आपका कैसे करना दूसरा है ना गोभी आप जो कटिंग कर रही है उसको बड़ी साइज करना, बिल्कुल बड़ी कटिंग वैसे ही खोजी कटे छोटी जैसा वैसा कटिंग करनी खोजेंगे छोटे भी ऐसा जो उसको नहीं उछलेंगे ऐसा थोड़ी बैठ जाएगी छोटा जाएगा लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी नहीं होगी। ये ग्रीन क्या पत्ता करो? हाँ मैंने गोभी के पत्ते नरम पत्ते गोभी को डाल देते हैं सारे इसकी बनाई होगी तो वैसे हम इसके दाने वाली आँच करके रखेंगे इंशाल्लाह। बस ये दम वाली आँच अभी सर 5-6 मिनट बाद चेक कर लेंगे, फिर 5-6 मिनट बाद चेक कर लेंगे इंशाल्लाह। सामने में पानी मैंने डाला नहीं उसी के अंदर ही बनाएंगे। सही, यार शीशा साफ कर लेते मैं भी प्यारा आ जाता अभी आ रहे हैं अच्छा लग रहा है। वाओ इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। फ्रेश बार आके देख रहा है ना कि बंदा कहता है ए ईशा वाओ गुड फाइनली हमारी जी गोभी आलू गोभी रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं ये था इसका फाइनल रिजल्ट।